हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है इस प्लेलिस्ट का। आपको मालूम है हमने 99 क्वेश्चन आपको कराने हैं जो आपको मैथ में 70 में 70 मार्क्स दिलाकर रहेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहे और आप ऐसा फील करोगे कि सच में हमारे 70 में 70 आके ही रहे। ठीक है दोस्तों, समय को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। क्या बोल रहा है सवाल में? कोई भिन्न है, एक भिन्न। भिन्न आपको मालूम है ना, अंश और हर होता है। क्या कह रहा है? एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। अंश से एक अधिक है क्या? हर। इस भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है। भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंश और हर में दिया क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अंश की। देखो, अंश से एक अधिक है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले माना भिन्न का अंश जो है वो है क्या? x है दोस्तों। कितना है? x है। उसने क्या कहा? एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। बात करते हैं भिन्न के हर की। भिन्न का हर इसके अंश से एक अधिक, यानी कि x प्लस के 1। कोई दिक्कत है? भिन्न तैयार हुई है। कौन सी हमारी भिन्न? भिन्न हो गई कौन सी? अंश आएगा ऊपर और हर आएगा नीचे, x प्लस के 1। ये भिन्न आ चुकी है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बात करते हैं इसके व्युत्क्रम की। क्या बात कर रहा है? इसके व्युत्क्रम की। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। व्युत्क्रम कैसा होता है? उल्टा। देखो व्युत्क्रम, मैं इसका सॉल्यूशन आपको करके दिखाता हूँ कैसे हम इसको करेंगे, यानी कि भिन्न का व्युत्क्रम। हमने सभी चीजें यहीं पे ही लिख लेंगे, भिन्न का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा दोस्तों? भिन्न का व्युत्क्रम हो जाएगा उल्टा इसका, यानी कि एक्स प्लस के 1/x। ये हो जाएगा। देखो कैसे होगा ये। भिन्न हमारी नॉर्मल सी क्या है? भिन्न है हमारी x बटे x प्लस के 1। यह है भिन्न। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम कैसे होगा? 1/ में लिखेंगे x और ये फिर इसका x प्लस के 1। ये कहाँ चले जाएगा दोस्तों? ऊपर, तो क्या बचेगा? x प्लस के 1/x ये बचेगा ना। और यही हमने क्या यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली, आपको कोई दिक्कत नहीं है। भिन्न का अंश है हर, भिन्न का हर है कितना? x प्लस के 1। भिन्न अब जो बन के तैयार हुई हो x बटे x प्लस के 1। भिन्न का व्युत्क्रम आ चुका है x प्लस के 1/x। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से। बात करते हैं अब, एक शर्त रखी है सवाल में। क्या रखी है दोस्तों? एक शर्त रखी है। शर्त ये रखी है हमारे पास, इस भिन्न का 3 गुना क्या है? 3 गुना किसका? भिन्न का। मैं लिख देता हूं अलग से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के दुगने से 1 कम है। क्या कह रहा है? दुगने से। कितने से? 2 गुने से। क्या है? भिन्न का व्युत्क्रम किसका है दोस्तों? भिन्न का व्युत्क्रम। और क्या बोल रहा है सवाल में? व्युत्क्रम के दुगने से 1 कम है, यानी कि क्या है? माइनस के 1। कोई दिक्कत नहीं, बीच में क्या आ जाएगा? इक्वल। यहां तक भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्या कर देंगे हम नॉर्मली? 3 गुना भिन्न कितनी हमारी? भिन्न है नॉर्मली, भिन्न हमारी x बटे x प्लस के 1 बराबर 2 गुना, भिन्न का व्युत्क्रम है
एक्स प्लस के वन अपॉन एक्स माइनस के वन, ये नॉर्मल से भी ना चुकी है हमारी। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? इस ये आपको सवाल में लाइन दी गई है। देखो एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूँ क्या कह रहा है सवाल। इस भिन्न का तीन गुना, देखो भिन्न का तीन गुना, इसके व्युत्क्रम के दो गुने से एक कम है, इसके भिन्न के व्युत्क्रम से दो गुने से एक कम है, माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने डायरेक्टली रख दिया भिन्न का मान, ये रख दिया तीन गुना बराबर दो गुना भिन्न का व्युत्क्रम एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस के वन, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ तक, ठीक है। बात कर देते हैं अब, गुना कर देते हैं इसकी, तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स अपॉन एक्स प्लस के वन बराबर, ये कितना हो जाएगा दोस्तों टू एक्स प्लस के वन अपॉन एक्स माइनस के वन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कर दो डायरेक्टली एलसीएम ले लो उसका, तो कितना थ्री एक्स और ये एक्स प्लस के वन बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों एक्स आ जाएगा अपॉन में, ये कितना टू एक्स प्लस के टू और ये माइनस के हो जाएगा एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब फिर इसको कैसे थ्री एक्स अपॉन एक्स प्लस के वन बराबर कितना, ये कितना हो जाएगा दो एक्स में से एक एक्स गया एक्स और प्लस के ये टू अपॉन एक्स, ये बचा है। क्लियर है यहाँ तक? एक बार देख लेता हूँ वीडियो में आ रहा है नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ आ चुका है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको हम यहाँ से ये किया हमने, ठीक है, इसको डायरेक्टली हम क्या कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी गुना एक्स की यहाँ पे और इसकी गुना यहाँ पे, कितना हो जाएगा एक्स की थ्री एक्स में करने पे थ्री एक्स स्क्वायर बराबर कितना एक्स प्लस टू और एक्स प्लस के वन, तो जी थ्री एक्स स्क्वायर एक्स की एक्स में करेंगे कितना एक्स स्क्वायर कितना एक्स प्लस के टू एक्स प्लस के दो, कोई दिक्कत, सबको इसको भी उधर लेके चले जाओ, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के, या हम सबको इधर ही लेके आ रहे हैं क्योंकि फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सबको इधर ही लेके आ जाएंगे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस के, ये हो जाएगा कितना सारा माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और दो एक्स कितने थ्री एक्स माइनस के टू बराबर जीरो, कोई दिक्कत नहीं, तो कितना तीन एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाके कितना बचेगा एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री एक्स माइनस के टू बराबर जीरो, ये एक द्विघात समीकरण बन चुकी है। अब द्विघात समीकरण का क्या करेंगे दो दूनी चार, चार के ऐसे फैक्टर की घटा के तीन आए, तो कितने होंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस के कितना फोर माइनस के वन और ये एक्स माइनस के टू बराबर जीरो, कोई दिक्कत नहीं। फिर कितना टू एक्स स्क्वायर माइनस के फोर एक्स प्लस के एक्स, क्योंकि माइनस की माइनस के अंदर गुना होगी और एक की एक्स के साथ, तो एक को लिखते नहीं इसलिए एक्स ही आ चुका है, तो कितना माइनस के टू बराबर जीरो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कितना कॉमन आएगा दोस्तों टू आ चुका है, कितना टू एक्स अंदर बचेगा एक्स माइनस के टू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर कितना कॉमन, यहाँ पे कॉमन आएगा प्लस के वन, अंदर बचेगा एक्स माइनस के टू बराबर जीरो, यहाँ से कितना ये कॉमन आ चुका है एक्स माइनस के टू और ये कितना टू एक्स प्लस के वन बराबर जीरो, एक बार इसको जीरो के बराबर लेके जाएंगे एक बार इसको जीरो के बराबर, देखो दोस्तों टू एक्स प्लस के वन बराबर जीरो, तो जी टू एक्स बराबर माइनस के वन, अब ये माइनस के आ चुका है ये तो होगा ही नहीं, ये तो सवाल में होगा ही नहीं, क्योंकि हमें क्या वरीयता किसको दिए जाएगी प्लस वाले को, क्योंकि हमारे पास प्लस वाला भी है अभी एक्स माइनस के टू बराबर जीरो, एक्स बराबर कितना दो आ चुका है दोस्तों, इस एक्स का मान कहाँ रखने पर भिन्न, भिन्न के अंश और हर में,
ठीक है, रख देंगे। जब भिन्न का अंश और हर निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। अब जब भिन्न का हर बात करते हैं, भिन्न की कौन कौन सी थी हमारे पास, भिन्न ये थी, भिन्न क्या थी, x बटे x प्लस के वन। x कितना निकल चुका है दोस्तों, 2 बटे x कितना है, ये भी 2 ही है, 2 प्लस के 1 बराबर कितना आ चुका है, 2 बटे 3 आ चुकी है भिन्न। यही क्या है इसका राइट आंसर है, क्लियर है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। देखो दोस्तों, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। भिन्न माना हमने, अंश कितना मान लिया x, और उसका हर अंश से एक अधिक है, यानी कि अंश कितना x, तो x प्लस के 1, कोई दिक्कत नहीं है। भिन्न कौन सी होगी हमारी फिर, यानी कि अंश बटे हर, अंश ये ऊपर और हर नीचे। बात करते हैं इस भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के दुगने से 1 कम है। व्युत्क्रम हमने इसलिए निकाला क्योंकि सवाल में व्युत्क्रम दिया हुआ है। तो व्युत्क्रम कितना निकल गया भिन्न का, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, मैंने अभी बताया था आपको, x प्लस के 1 अपॉन x, ठीक है, क्लियर आ चुका है। बात करते हैं इस लैंग्वेज की, इस भिन्न का 3 गुना, भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से, इसके व्युत्क्रम भिन्न के व्युत्क्रम से 2 गुने से 1 कम है, 1 कम है, कोई दिक्कत। तो हमने भिन्न डाल दिया यहाँ पे, भिन्न कौन सी थी, व्युत्क्रम वाली भिन्न डाल दी, माइनस के 1 कर दिया, फिर हमने इसको सॉल्यूशन कर लिया, वो आपने देखा किस प्रकार से हमने सॉल्यूशन किया, क्लियर है। क्लियर है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो क्या सवाल, सवाल सेम टू सेम है, बस आपको जैसे जैसे सवाल बोलता जा रहा है वैसे वैसे करना है। देखो, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। क्या है, भिन्न का जो अंश है वो उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग कितना हो जाएगा, 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो सबसे, मैं आपको इन क्वेश्चन को कराने का जो मेन उद्देश्य है वो है इनकी लैंग्वेज। क्या है, इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन है, बस वरना कर तो लोगे सभी, लेकिन बस मेन बात आपको एक बार लैंग्वेज पकड़ में आ जाए तो क्वेश्चन आराम से हो सकता है। देखो कैसे, इसने किसके बारे में बोला इस बार, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। क्या है, अंश कम है, तो उस बार मानना पड़ेगा, हमने पिछले क्वेश्चन में माना था हर को, माना जो भिन्न का हर कितना है दोस्तों, एक्स है, ठीक है। तो भिन्न का अंश हो जाएगा कितना दोस्तों, अंश हर से 3 कम है, हर कितना है x, तो ये हो जाएगा x माइनस के 3, कोई दिक्कत। तो भिन्न कौन सी बनी हमारे पास, मूल भिन्न, अब हमारे पास कौन सी है, मूल भिन्न जो बन के तैयार हुई वो कौन सी हुई, अंश बटे हर होगा ना, यानी कि x माइनस के 3 अपॉन x, ये मूल भिन्न आ चुकी है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं आई होगी आपको। अब देखो क्या बोल रहा है सवाल, यदि अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई जो भिन्न बनेगी वो मूल भिन्न का योग कितना, 29/20 होगा। यानी कि जो मूल भिन्न है वो तो सेम रहेगी एक, देखो अब मैं अलग से आपको करके दिखा देता हूँ, ये हमारी x प्लस के 3 अपॉन x, नहीं प्लस नहीं है दोस्तों, माइनस है क्योंकि कम है, ये तो मूल भिन्न है हमारी, कोई दिक्कत। प्लस इसका योग किसका, एक और नई भिन्न की बात करी उसने, जिसमें क्या क्या जोड़ रहा है, अंश और हर में 2-2 जोड़ रहा है, यानी कि इस वाले में कितना, देखो
ये हमारे पास एज इट इज थी कितनी, एक्स माइनस के 3/x। उसने क्या कहा है सवाल में कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, अंश में भी और हर में भी जोड़ दिया, तो ये नई भिन्न बन गई। ये नई भिन्न बन गई ना, जब हमने इसमें 2 जोड़ा, 2 ही 2 जोड़ा अंश में, 2 ही हर में, ये आ गई नई भिन्न तथा मूल भिन्न। मूल भिन्न का योग, योग आ चुका है कितना है 29/20। कितना है दोस्तों 29/20। देखो कुछ को लग सकता है कि हम समय ले रहे हैं, लेकिन इसीलिए ले रहे हैं ताकि मैं आपको एक एक वर्ड को तोड़ के बता सकूं। बस मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन के साथ खेल रहे हैं, कि नई भिन्न कौन सी होगी, मूल भिन्न कौन सी होगी। बस हमारा मेन टारगेट ये है दोस्तों। क्लियर है, समझ में आ चुका है। अब करते हैं बस इसका नॉर्मल सा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होगा इसका, x माइनस के 3 और प्लस के 2 कितना हो जाएगा, x माइनस के 1, और ये कितना x प्लस के 2, x प्लस के 2, ये प्लस आ चुका है, x माइनस के 3 अपॉन x, ये कितना हो जाएगा 29/20। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी नहीं आई होगी। अब क्या करते हैं, नॉर्मल सा डायरेक्टली सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे इसका दोस्तों, कितना लेंगे, x प्लस के 2 और ये आ जाएगा x, इससे ये कैंसिल, x की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि x x माइनस के 1 के साथ, प्लस ये वाला x से x कैंसिल, x प्लस के 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ, x माइनस के 3 के साथ, बराबर कितना 29/20। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ तक आपको, ठीक है। अब क्या कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस की करेंगे इसके साथ, यानी कि कितना हो जाएगा ये दोस्तों, ब्रैकेट लगा लेते हैं, एक्स की एक्स तो एक्स स्क्वायर, एक्स की माइनस के 3 के साथ तो 3x, 2x के साथ तो प्लस के 2x, माइनस की माइनस के साथ तो माइनस के 6, और ये नीचे भी कर दो, कितना एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, और बराबर कितना 29/20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। एक लाइन खींच देते हैं बीच में ताकि आप नए पेज पे जा सको। ये लाइन खींचना हमारा, एक नया पेज पे जाना है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, एक एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, तो कितने 2x स्क्वायर, माइनस के x कितने 3 और 1 4, 4 में से 2 गए कितने, माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2x, माइनस के 6, माइनस के 6 ही है बस, अपॉन में कितना है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, बराबर कितना है दोस्तों 29/20। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, कितनी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ, इसकी गुना यहाँ पे और इसकी गुना यहाँ पे, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40x स्क्वायर, ये कर देंगे हम इसके यहाँ पे गुना, कितना हो जाएगा माइनस के 20 दूनी फिर से 40x और माइनस के 20 छिक्का 120। क्लियर है, और इक्वल करके 29 कितना 29x स्क्वायर, 29 दूनी कितना हो जाएगा 30 दूनी कितना होता है 60 और 29 दूनी 58, यानी कि कितना प्लस के 58x। कोई दिक्कत, सबको इधर ले आओ, तो कितना हो गया दोस्तों 40x स्क्वायर माइनस के कितना 40x माइनस के 120, ये माइनस के 29x स्क्वायर माइनस के 58x = 0। कोई दिक्कत नहीं, 40x स्क्वायर में से 29x स्क्वायर जाके कितने बचेंगे दोस्तों 11x स्क्वायर। क्लियर है, माइनस के 40 और माइनस के 58 तो कितना माइनस के 98x, कितना बचा हमारे पास माइनस के 120 = 0। क्लियर है, क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बन चुकी है हमारी, द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे। कितना हो चुका है 11x स्क्वायर माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके साथ, देखो
जीरो तो सेम रहेगी, 11 दूनी कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 का 2 हासिल लगे 2, 11 एकम 11 और 2 13, कितना है दोस्तों हमारे पास 1320। 1320 के ऐसे फैक्टर कि घटाकर कितना है 98, घटाकर कितना है 98। तो ऐसे कैसे फैक्टर हो सकते हैं दोस्तों, 110 के गुणा हम किसके साथ करेंगे 12 के, तो कितना आएगा 1320 आएगा और 110 में से 12 घटाएंगे तो कितना 98, कितना जाएगा 98। तो यानी कि 110 माइनस के 12 एक्स माइनस के 120 बराबर 0, कोई दिक्कत। 11 एक्स स्क्वायर माइनस के 110 एक्स माइनस के माइनस में प्लस, तो कितना 12 एक्स माइनस के 120 बराबर 0, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एलसीएम कितना है दोस्त, यहाँ से कॉमन कितना आएगा 11 एक्स, अंदर जो बचेगा एक्स माइनस के 10, कितना 10, यहाँ से कॉमन कितना 12, अंदर बचेगा x माइनस के 10 बराबर 0, यहाँ से कॉमन कितना x माइनस के 10 x प्लस के 12 बराबर 0। देखो प्लस वाला तो होना ही नहीं क्योंकि उधर जाके हो जाएगा माइनस का, क्लियर है बात होगी। देखो करी लेते हैं, x माइनस x प्लस के 12 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा कितना माइनस के 12, ये तो मुश्किल है बहुत ही, क्योंकि जब हमारे पास माइनस वाला है जो उधर जाके प्लस हो जाएगा तो हम सबसे वरीयत है यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे किसको रखेंगे, जिसकी वैल्यू प्लस है, क्लियर है बात, इसको ले लेते हैं ठीक है। एक्स माइनस के 10 बराबर 0, एक्स बराबर कितना आ चुका है दोस्तों 10, एक्स बराबर 10 आ चुका है ठीक है। इसको करते हैं रफ यहाँ से, ये तो आपकी समझ में आ ही चुका था ठीक है, और खींचते हैं लाइन अगले पेज पे चले गए हम। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, ये हमने एलसीएम लिया, इस एक्स का मान कहाँ रखने पर, भिन्न में, मूल भिन्न कौन सी है हमारी दोस्तों, एक्स माइनस के 3/x, एक्स माइनस के 3/x। अब मान रख दो दोस्तों एक्स का कितना था 10 माइनस के 3/10, तो कितना 7/10 हमारी क्या थी, मूल भिन्न थी, क्लियर हुआ दोस्तों। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखो दोस्तों एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं जल्दी से। देखो सवाल क्या बोल रहा था, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो माना हर हमने x मान लिया, सवाल के अकॉर्डिंग बोल रहा है अंश हर से 3 कम है, अंश जो है वो हर कितना x से 3 कम, x माइनस के 3, हर भिन्न अंश भी निकल चुका, मूल भिन्न कैसे होगी, अंश बटे हर, अंश कितना है x माइनस के 3 बटे हर कितना है x रख दिया, क्लियर है बात। अब बात करते हैं यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न, देखो अंश और हर में 2 जोड़ा, ये पहले वाली भिन्न थी हमारे पास, ये मूल भिन्न देखो ये रख दिया हमने यहाँ पे, ये मूल भिन्न है x माइनस के 3/x। अब इसी में क्या कह रहे हैं, 2 अंश में जोड़ा जा रहा है, 2 ही हर में, तो ये नई भिन्न आ चुकी है, नई भिन्न का योग मूल भिन्न का योग कितना है 29/20 है, देखो बोल रहा है 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 है, 29/20 है। इससे हमने क्या किया, सॉल्यूशन किया, ये समीकरण बन गया आपको ठीक है। तो हमने फिर आपने देखा, हमने द्विघात समीकरण बनाई, द्विघात समीकरण के 2 मोल निकाल लिए, एक आया पॉजिटिव एक आया नेगेटिव, हमने क्या लिया पॉजिटिव वाला, इसका मान हमने मूल भिन्न में रख दिया, क्लियर है। हमारे साथ ऐसे ही जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से नंबर ला सके, क्लियर है दोस्तों। और कमेंट में जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही, तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।